अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं खेलूँगा कार पार्किंग मल्टीप्लेयर 2, जो कि अभी ही रिलीज़ होया है, बिल्कुल इसी वीक, एक दो वीक पहले। और ये मेरी इस गेम की फर्स्ट कार है। ये इस कार का नाम तो मुझे नहीं पता, पर पिकअप ट्रक है। इसको स्टार्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिक है। मतलब इस गेम में कुछ कार्स ऑटोमेटिक हैं और कुछ गेयर्स वाली कार। पर तो मल्टीप्लेयर 1 में तो सारी ऑटोमेटिक थी ना। ओके, अगर हम चला कर देखें कार को तो चल चलिए कार। और अब इसकी स्पीड नहीं है क्या? मतलब ये तो अभी टाइट सी हो गई है, तो स्पीड नहीं सकेगी। स्टेबिलिटी स्टेबलाइजेशन तो इसकी बहुत अच्छी है। ओके, अब यहाँ से अगर मैं इसको बाहर लेके जाऊँ तो देखते हैं तब ये कैसा परफॉर्म करती है। और एक मिनट की ड्रिफ्टिंग में तो बहुत अच्छी है। ओके, स्टीयरिंग सीधा। और ड्रैगी ऐप में हम देखते हैं 0 to 100 कब जाती है। 0 to 100 वैसे 5 या 6 सेकंड में चली जानी चाहिए, 5, 6 या 7 में। ओके, रीच कर लिए 0 to 100 में। ओके, ड्रैगी ऐप। ओके, 0 to 100 0 to 68 सेकेंड, 0 to 100 0 to 67 सेकेंड, 0 to 100 8 सेकेंड। ओके, रीसेट कर दी मैं। ओके, तो अब ये एक ऑफ रोड कार है, पिकअप ट्रक है, तो इसको ऑफ रोड एरिया में चला कर देखते हैं। और मेरे पास एक दो और कार्स भी हैं, क्योंकि इस गेम को मैंने एक दो वीक खेला है। तो एक मेरे पास जो मेरी सबसे महंगी कार है, सबसे सस्ती ये है, उसके बाद ये अच्छी है, उसके बाद सबसे अच्छी BMW है। बट इसमें एक ही, सिर्फ एक मसला है, ये ना गैस ऑटोमेटिक नहीं है। अच्छा, अभी उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ एक मिनट इंटीरियर करने के लाने के। ओके, तो अब इंटीरियर आ चुका है इस कार का। और अब मैं इसको ऑफ रोड एरिया में चेक करूँगा कि ये, इस गेम में एक चीज़ चेक करनी है मैंने। इस गेम में माउंटेन एरिया इधर ऑनलाइन में है, लेकिन सिंगल प्लेयर में माउंटेन एरिया नहीं है। हटा दिया सिंगल प्लेयर से क्या, पता नहीं। ओके, मैं ऑफ रोड में जाता हूँ और अब देखता हूँ। ओके, तो इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, और देखता हूँ कि यहाँ पर नहीं, माउंटेन एरिया यहाँ पर बना हुआ तो है, लेकिन अलग से हम ज्वाइन नहीं कर सकते, पता नहीं फॉर सम रीजन। ये है तो सही, और रेजोल्यूशन गेम की थोड़ी सही कर लेते हैं। हाँ, अब बाकी है। और चलो ABS ऑन कर लेते हैं ताकि गाड़ी तो स्टेबल रहे। एक कंट्रोल्स में ABS किधर है, आता है कार में। हाँ, ये अच्छा ऑन है। हाँ, ये इसको इसीलिए ये कार इतनी स्टेबल है, ABS ऑन है ना। ओके, भाग तो भी है। ओके ओके ओके, मुड़ो, मुड़ने में कुछ खास नहीं है, लगा ही रहता है इसका। मैं स्टीयरिंग थोड़ा बढ़ा देता हूँ, स्टीयरिंग भी। ओके, अब सही है ना, अब बिल्कुल ओके, अब मुड़ेगी अच्छे से। ये क्या हुआ, चल क्यों नहीं, क्या हो गया, चलो
क्या हुआ इसका, तो क्या हो गया सर? हाँ, वो जो कार पार्किंग मल्टीप्लेयर में वो जो लास्ट एपिसोड, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो उसका आई थिंक सो सिक्स या फिफ्थ पार्ट है, वो एक सीरीज़ है, मी एंड माय नेबर वाली सीरीज़ है। ओके, तो उसका आई थिंक सो सिक्स या सेवन्थ पार्ट है, तो कल आ जाएगा उसका अगला पार्ट। तो आप लोग पिछला पार्ट देख लीजिएगा, तो उसमें भी मैं रात को ये देख रही हूँ, कंट्रोल ग्राफिक एफेक्ट्स में जाके ना, एक मिनट आपको बताता हूँ। उस गेम में ना मैंने इस तरह से करके यूनिट ऑफ स्पीड एमपीएच, ओके ग्राफिक्स में हम जाएं तो क्या क्या ऑप्शन हैं। फिलहाल तो मैं सब ही ऑन के बैटरी सेवर हाँ ऑन कर लेते हैं, एफेक्ट्स वगैरह क्या क्या हैं। ओके, उसमें मैंने इस तरह से नाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करके ना, यहाँ पर वो मैं आया था कि कुछ ओवर अंधेरा नहीं हो जाए, मुझे अपनी लिटरली में कंट्रोल्स के अलावा एक चीज भी नहीं दिख रही। ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, एक मेरी कार की लाइट नहीं जल रही, पता नहीं क्या मसला है, गाड़ी की लाइट ही नहीं जल रही। व्हाट कनेक्टर, और वो आई थिंक सो मुझे दोबारा से डी कर देना चाहिए, ये सही नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, डे कर दो। हाँ बस अब ठीक है, बिल्कुल ओके है। और अब मुझे रिवर्स लेके जानी है अपनी कार, और के इसकी ऑफ रोडिंग चेक होगी, स्टेबल है मड में, बाकी ऑफ रोडिंग बाद में करेंगे, अभी मैं बस छोटा छोटा सा वैसे ही कर रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ। और अभी BMW ट्राई करते हैं, वैसे ये मैंने अभी तक चलाई नहीं है, ये देखें एक मिनट, यहाँ पर वो आता है ना, ये देखें इसकी माइलेज 0.29 mi है, मतलब ये मैंने ना सिर्फ 29 meters चलाई है, बस स्टार्ट ही की है और रेस दी है बस। और इसका इंजन सेटअप वगैरह सब कुछ लो कुछ भी नहीं मैंने लगाया हुआ इसमें। सस्पेंशन इसकी ये इसका नॉर्मल ही रहने देते हैं रिसेट। स्टीयरिंग एंगल इसका मुझे चाहिए कि पूरा मुड़े, ये क्या होता है, ये भी पूरा मुड़े, कास्टर इसका सीधा ही है तो बेटर है, हाँ कास्टर इसका सीधा ही है तो सही है। ओके, ये होता क्या है वैसे, अच्छा ये चीज़ है, ये इसकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि ये टेढ़ा तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, अब ये मेरी फेवरेट चीज़ है, इसको मैं नीचे करना चाहूँगा। ओके, एंटी रोल ये क्या होता है, जो भी है ये मेरे ख्याल से मुझे फूल करना चाहिए, कर दिया मैंने। बम्प आए तो उसके लिए कोई सेटिंग है, फ्रंट रियर सॉफ्ट और ये भी स्लो बम्प स्विफ्टनेस। ओके, अप्लाई, डायनो रन करें इस कार का, इसको पूरा इसका हार्ड बना देते हैं। ओके, अभी टोल किसकी आई है, एक ये देखें, अभी इसकी टॉर्क है 259.306, ये सब इसको अगर हम इसमें करके देखें तो ओके अब ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वो अब इजी वाला सेटिंग है, पहले मुश्किल वाली सेटिंग थी इस वजह से। ओके, तो नो प्रॉब्लम, हम हाईवे में जाते हैं इस बार हाईवे में जाते हैं और देखते हैं कि कैसा रिएक्शन ये। और यही तो मैं कह रहा था कि ये कार की अच्छी बात ये नहीं है कि
ऑटोमेटिक नहीं, ये मैनुअल है। सारे गेस इसमें थोड़ी लगाने पड़ते हैं। ओके, और फिर जब ये रुक जाती है, मतलब ब्रेक लगा तो जीरो हो जाती है, फिर ये बंद हो जाती है, ऐसे ही स्टार्ट करो तो चलती नहीं है। ये देखें, ये दबा के क्लच दबा के ऐसे 5 सेकंड वेट करके क्लच दबा के भी रेस देनी होती है, और फिर छोड़ दो तब जाके चलती है। ये ऐसे स्टार्ट होती है, इग्निशन ऐसे होती है, ऑन ऑफ में फिर से यही रेस ऐसे देनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, हो गया हो गया। अब मैंने कहीं रोकनी नहीं है फिलहाल तो। और एक तो मैंने तब वो ऑफ रोडिंग में उस कार में बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग एंगल बढ़ा दिया था, मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। ओके चलो चलो चलो, दूसरे गियर से मैं फिलहाल ऊपर निकलता नहीं तो फिर ये यूं एक्सीडेंट हो जाएगा। सही है, 60 से नीचे रहो तो फिर से स्टार्ट करो इसी तरीके से। ओके सेकंड गियर लगाओ, थर्ड लगो ना, हाँ लग गया लग गया लग गया। ओके फोर्थ लगो, लगा ही नहीं है अभी, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी लगाने की। अभी अभी लगाना नहीं ना रहा मुझे, मतलब समझ नहीं आ रही कि कैसे लगता है। मैं वैसे ही इसको यू करके लगा लेता हूँ, क्लच दबाना ही भूल जाता हूँ। और अभी हम इसको मिडल में रखते हैं और हैंड ब्रेक लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि गाइस आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।